So today we meet again in the second episode, and today we'll talk about COVID and fertility. So before beginning, I would like to tell you that I am Shraddha Suhani, moderator for today, who is CEO of Vidyapeeth Group of Institutions, Bhopal, along with Dr. Priya Bhave Chittavar from Bansal Hospital, who is Senior Consultant of Reproductive Medicines. So she's here with us to clarify more about the fertility doubts which we might be having in COVID times, these difficult times. To start with, difficult roads often lead to beautiful destinations, and we are here talking about making beautiful children. So that is where Dr. Priya comes into play. So welcome, ma'am. My first question to you is it safe to visit hospitals for fertility treatment right now? Right. So as we speak, Shraddha, the second wave seems to have plateaued or even abated in some parts of the country. जो बहुत ज्यादा राइज हमने अप्रैल में देखा था, मई की शुरुआत के कुछ हफ्तों में देखा था, चारों तरफ एक हाहाकार सा मचा हुआ था, वो अब थोड़े कुछ हद तक जो है वो स्थिति कंट्रोल में है। परंतु कंट्रोल में भी इसलिए है क्योंकि हमने अपने ऊपर कुछ बंदिशें लगा दी हैं, हम सब घर पे हैं, बाहर आना जाना हमने कम से कम रखा है, मास्क पहन रहे हैं, दूरी रख रहे हैं। तो इस बैकग्राउंड में यदि हम अभी वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो कोविड 19 पैंडेमिक के चलते कुछ हद तक जो है वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स कपल्स अपने आप ही इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। कुछ केसेस में जहां पर ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है या फिर ऐसा कोई कारण है कि ट्रीटमेंट करना अर्जेंट है, यानी कि कोई मेडिकल रीजन है, तो ऐसे सारे केसेस में सारे प्रिकॉशंस जो है वो हॉस्पिटल में लिए जाते हैं, यानी प्रायर अपॉइंटमेंट में ही आपको देखा जाता है, वेटिंग रूम में इंश्योर किया जाता है कि आपस में एडिक्वेट डिस्टेंस हो, डॉक्टर्स खुद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं जिससे डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ से आपको संक्रमण का डर जो है वो कम से कम रहे। तो यदि आप ये सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं और आपके क्लिनिक में आईवीएफ का ट्रीटमेंट जो है वो यदि शुरू हो गया है और वहां ये सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं तो यस, इट इज सेफ टू विजिट फर्टिलिटी क्लिनिक्स एट दिस टाइम, प्रोवाइडेड दैट यू आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। मैम, डस कोविड, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द वैक्सीन राइट नाउ, क्या कोविड इज अफेक्टिंग मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी? व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? देखिए, ये जो कोविड 19 है, इसका नाम ही नॉवेल कोरोना वायरस है, यानी ये हम सबके लिए, साइंस के लिए भी बिल्कुल नया है। इसके बारे में जो रिसर्च है ये अभी बिल्कुल इट इज स्टार्टिंग आउट, और इसका अभी पूरा रिसर्च जो है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। अभी तक जो जानकारी आई है कि ये जो वायरस है ये एस रिसेप्टर के थ्रू बॉडी के सेल्स में प्रवेश करता है, तो वो सारे ऑर्गन्स जहां पे एस रिसेप्टर ज्यादा है, जैसे कि लंग्स है, ब्लड वेसल्स है, वहां पे ये अफेक्ट करता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, स्पेशली टेस्टिस में, एस रिसेप्टर जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो टेस्टिकुलर टिश्यू में कोविड 19 आइसोलेट किया गया है, स्पर्म यानी सीमन में भी इसे देखा गया है, और धीरे धीरे ये एविडेंस इमर्ज हो रहा है कि शायद मेल फर्टिलिटी को ये वायरस अफेक्ट कर सकता है। किस तरह से कर सकता है, तो मुख्यतः तीन इसमें जो हाइपोथेसिस है वो सामने आई है। पहला ये है कि जो ब्लड वेसल के अंदर की लेयर है वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, क्लॉट्स बनते हैं, वही टेस्टिस के अंदर भी होता है और उसके कारण कोविड जो है वो फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। दूसरा तरीका है कि जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है, स्पेशली टेस्टिस के अंदर के जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है, हो सकता है कि उसके अफेक्शन के कारण फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कारण है कि जब भी कोई सिस्टमिक इलनेस होता है, यानी कोई वायरल फीवर है या कोई भी और बीमारी होती है, तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ये सिर्फ कोविड 19 ही नहीं, किसी भी वायरस, किसी भी बीमारी में ऐसा होता है, और ये जो डिप्रेशन है स्पर्म फॉर्मेशन का, ये 3 महीने तक चलता है। तो जिसको भी मॉडरेट या सिवियर डिजीज रही है, बिकॉज ऑफ दैट इलनेस भी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो हो सकता है कि टेम्पररीली अगले 1 से 3 महीने तक कम हो जाए और स्पर्म काउंट पे इसका असर पड़े। हालांकि एग्जैक्टली किस पेशेंट में असर होगा, कितना होगा, ये इसके ऊपर जो डेटा है वो अभी भी धीरे धीरे आ रहा है।
जैसे कि लॉकडाउन है बिकॉज ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, ज्यादातर लोगों को वर्क फ्रॉम होम के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, कंपनीज को भी समहाउ वो बेटर लग रहा है. डू यू थिंक इट इफेक्ट्स द फर्टिलिटी वर्क फ्रॉम होम? यस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसका मैंने जो पिछले एक साल में देखा है कि फर्स्ट वेव से ही बहुत सारे लोग जो मेट्रोज में काम करते थे अब वो अपने नेटिव प्लेस पे वापस आ गए हैं. अधिकतर काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू हो रहा है. तो हमने दो चीजें इसमें एक साथ देखी है. पहला ये है कि ये जो इनकी स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल थी वापस घर आने के कारण, घर में अधिक समय रहने के कारण, कपल्स को एक दूसरे के साथ ज्यादा समय मिलने के कारण, हमने देखा कि बहुत से कपल्स जिनका IVF प्लान था वो एक्चुअली अपने आप ही कंसीव हो गए. दूसरा इसमें एक और पहलू है कि जो फैमिली प्रेशर रहता है इनफर्टाइल कपल्स के ऊपर, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर होता है. जब ये कपल्स अपने घर से दूर मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आमतौर पर टोका टाकी करने वाला या पूछने वाला या इस इनफर्टिलिटी की याद दिलाने वाले घर में कम लोग होते हैं. परंतु जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो कुछ ऐसे कपल्स थे जो वापस अपने फैमिली परिवेश में गए और उनको काफी ज्यादा परेशानी फैमिली की तरफ से या बार बार रिमाइंडर्स की इनफर्टिलिटी है, आप इसका कुछ ट्रीटमेंट करा रहे हैं कि नहीं, इस बात को लेके ताने देना, उलाहने देना, ये सब भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया. तो कहीं एक तरफ फर्टिलिटी बढ़ी है ऐसा कह सकते हैं, परंतु फैमिली प्रेशर भी जो है वो साथ साथ में बढ़ गया है. What do you have to say about, मैम, हमने पहले बात की कोविड का इफेक्ट क्या है, अब हम बात करेंगे क्या कोविड की जो वैक्सीन है वो फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट है उसका? जी देखिए, वैक्सीन जो है ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है और इसकी जो वैक्सीन है उसका बेसिकली असर ये होता है कि एक बहुत ही हमारे इम्यून सिस्टम को एक चैलेंज ये देती है जिससे कि एंटीबॉडीज या रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बन जाए. तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये जो वैक्सीन है इससे फर्टिलिटी पर कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म असर पड़ता हो. वैक्सीन के बारे में जो अफवाहें उड़ती हैं उसमें से एक ये बहुत बड़ी अफवाह है कि वैक्सीन से स्टरिलिटी हो जाएगी, वैक्सीन से आप आगे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी. इस बात में बिल्कुल भी कोई भी साइंटिफिक तथ्य नहीं है. कोविड वैक्सीन का फर्टिलिटी के ऊपर कोई भी बुरा असर जो है वो नहीं पड़ता है. Thanks for saying this. I will repeat it. COVID vaccine has got no negative impact. So you can still think of having healthy, beautiful baby. Those who got COVID and were cured, किसी को COVID हुआ और ठीक हो गए, तो उनको अपनी pregnancy कब plan करना चाहिए? देखिए अभी बहुत सारे proportion ऐसे हैं couples के, क्योंकि अब ये इतना ज्यादा infection common हो गया है कि बहुत से लोगों को COVID हुआ और वो उसे cure हो गए. अब क्योर होने के बाद हम कंसीव करने के लिए कब कोशिश करें, इसके लिए आपको दो चीजें ध्यान रखना है. पहला, आपका जो कोविड इन्फेक्शन है वो कितना सिवियर था. माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर में, माइल्ड इन्फेक्शन में अधिकतर होम आइसोलेशन में बिना किसी ट्रीटमेंट के ये ठीक हो जाता है. मॉडरेट या सिवियर डिजीज में कई बार भर्ती होना पड़ता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. सिवियर डिजीज में तो ऑफकोर्स ICU केयर की आवश्यकता होती है. अब डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, बॉडी इससे जब रिकवर होती है तो उतना ही समय लेगी. माइल्ड डिजीज में आप जल्दी वापस अपने कामकाज पे लौट सकते हैं, मॉडरेट या सिवियर में समय लगेगा. तो जब तक कम से कम एक या दो महीने तक यदि आपको मॉडरेट डिजीज रहा है या सिवियर डिजीज रहा है, तो गिव योर सेल्फ 1 or 2 months जिसमें आप अपने नॉर्मल हेल्थ पर वापस जा सकें. आफ्टर दैट कंसल्ट योर डॉक्टर, वो आपके चेकअप्स करके आपके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल लिमिट में आ गए हैं, आपका स्पर्म काउंट, आपके एग्स की स्थिति, ये सारी देख के, एंड वो डॉक्टर आपको फिर एडवाइस कर सकते हैं. इसमें हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ प्रीनेटल विटामिन्स या सप्लीमेंट्स भी दे विच विल हेल्प योर बॉडी टू रिकवर एंड विच विल आल्सो हेल्प यू इन कंसीविंग और मेंटेनिंग योर हेल्थ इन द पेरिकंसेप्शन पीरियड. अ वेरी रिलेटेड क्वेश्चन इन द सेम डायरेक्शन मैम, इफ समबडी इज ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, इफ अ कपल इज ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो क्या कोविड में द कपल शुड स्टॉप दैट और यू से नो इट इज राइट टाइम टू गो फॉर इट? इसका कोई सही या गलत आंसर नहीं हो सकता है. इसका जो डिसीजन है वो दो चीजों पे निर्भर करेगा. पहला ये कि कपल का इनफर्टिलिटी का ड्यूरेशन कितना लंबा है और उनकी स्थिति क्या है, यानी कि ओवरी के रिजर्व कितना है, एज कितनी है, किस तरह का ट्रीटमेंट प्लान था. और दूसरा ये डिपेंड करेगा आपके ज्योग्राफिकल एरिया में कोविड की प्रेवलेंस या इंसिडेंस या जो सिवियरिटी है वो कितनी है.
यदि आपके शहर में आपके आसपास अभी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तेजी से फैला हुआ है तो बेशक आप 1 या 2 महीना रुक के और फिर ट्राई कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ पर इन्फेक्शन अब कम होता जा रहा है, धीरे धीरे वापस रीओपन हो रहा है, आप सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, वैक्सीन आपने लगवा लिया है, तो आप बेशक जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई एक आंसर नहीं हो सकता। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि चूंकि ये पैंडेमिक है, ये इसका थर्ड वेव होगा कि नहीं, ये कितने समय तक चलेगा, ये कोई भी अभी बता नहीं सकता। तो ऐसे में कोई भी कपल डेफिनेटली इनडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं करना चाहेगा अपने कंसीव करने के प्लान को, क्योंकि जो सारे प्रिकॉशंस हैं, हमें अब वायरस के बारे में काफी कुछ जानकारी है, ये कैसे स्प्रेड होता है, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, तो पिछले साल जो नॉलेज था उसकी अपेक्षा हम काफी आज बेटर स्थिति में है। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आपके आसपास जो स्थिति है और आपकी जो इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप वेट करें या फिर आप ट्राई कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड अनदर क्वेश्चन मैम, ना इफ समबडी इज कंसिडरिंग यू नो टू गो फॉर IVF और IUI और फ्रीजिंग देयर एग्स, देन व्हाट यू हैव टू ऐड टू दिस? इसी अब जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि एवरीवेयर वी नो रीजनेबली व्हाट प्रिकॉशंस आर नीडेड टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस वायरस। सो इफ योर क्लिनिक इज फंक्शनल, अगर आपका क्लिनिक चालू हो चुका है और यदि आप एग फ्रीजिंग कराना चाहते हैं या आप IUI या IVF कराना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं आपकी परिस्थिति, आपका जो इनफर्टिलिटी का हिस्ट्री है, आपकी एज, इसके हिसाब से डॉक्टर आपको डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे। और क्लिनिक्स में हर जगह पर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, हर जगह पर प्रिकॉशनरी मेजर्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, जैसे कि IVF ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कपल का कोविड टेस्ट कराया जाता है, प्रोसीजर के पहले भी कई जगह पर हम कोविड टेस्ट रिपीट करते हैं, जितना क्लिनिक में स्टाफ होता है उनका इंटरमिटेंटली कोविड टेस्ट किया जाता है, जिससे इनएडवर्टेंटली स्टाफ से आपको ये इन्फेक्शन नहीं हो जाए। इनसाइड द लैब, IVF लैब के अंदर भी ये सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, जितने भी पेशेंट्स के सैंपल अंदर एनालाइज होते हैं दे आर टेकन ओनली इफ द पेशेंट इज कोविड नेगेटिव। सो विथ ऑल दीज प्रिकॉशंस वी आर रीजनेबली श्योर कि IVF या IUI ट्रीटमेंट के दौरान आपको संक्रमण नहीं होगा। परंतु अगेन आई एम सेइंग दैट इट डिपेंड्स, आपकी जो लोकल सिचुएशन है पैंडेमिक की, जो नंबर्स हैं, जो नए केसेस आ रहे हैं, उसके और आपके डॉक्टर के सलाह के अनुसार आपको ये निर्णय लेना चाहिए। मैम, जो कपल्स ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, क्या पैंडेमिक का उनके मेंटली या फिजिकली बायोलॉजिकली आई थिंक कुछ उसका इम्पैक्ट है? बिकॉज यू आर मीटिंग कपल्स ऑन डे टू डे बेसिस। बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो पीरियड होता है जब हम कंसीव करना चाहते हैं और हम एक नए जीवन को इस धरती पे लाना चाहते हैं, पर हमारे आसपास इतनी अनसर्टेनिटी, ऑलमोस्ट हम सभी के आसपास परिवार में, फ्रेंड्स में अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई हैं, स्पेशली इस सेकेंड वेव में, तो ये जो पूरा परिवेश है, इससे जो एंजाइटी होती है, ये डेफिनेटली नेगेटिवली अफेक्ट करती है हमारी मेंटल हेल्थ को। और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कोई अलग नहीं होती, तो डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जो इस दौरान कंसीव हो भी गए, उनको भी एक डर रहता है कि कहीं हमें इन्फेक्शन नहीं हो जाए। एक जो नॉर्मल स्थिति रहती है, जो नॉर्मल मिलना जुलना रहता है, वो सब काफी रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। नॉर्मली हम घर के बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो सब भी अब ऑलमोस्ट कट डाउन हो गया है। तो डेफिनेटली इस पैंडेमिक का हम सबकी, और स्पेशली वो कपल्स जो फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे, उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा नेगेटिव असर पड़ा है। सो आई थिंक यू हैव केटर्ड टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आई हैड मैम टुडे। थैंक यू सो मच। सो हियर अगेन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन विद अ कोट, विद अ baby or without, woman is valuable, you are whole, and yes, you matter. So I expect soon things get normal again, and yes, women can feel more complete by having a baby soon. So thank you so much ma'am on the thank positive you note very much. And thank again you. I give this message to everybody who is trying to conceive, ye bahut uncertain times hai, hame pata nahi hai kal kya hone wala hai, to koi bhi nirnay jo hai wo anxiety mein pareshan hoke mat lijiye. Discuss with your doctor, discuss with your family, और जैसे जैसे situation evolve होती है, change your decisions, modify your decisions, and ultimately जैसा मैंने बताया, जैसा श्रद्धा ने बताया कि difficult roads lead to beautiful destinations, ये आपका सफर थोड़ा और ज्यादा कठिन हो गया है, पर destination फिर भी खूबसूरत ही रहेगा। धन्यवाद।
थैंक यू मैम।